हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो मैं बनाया है स्पेसिफिकली बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का है। बहुत ही प्रोबेबली ये वीडियो देखने वाले मतलब 100 लोग ये वीडियो देखेंगे तो उसमें से 90-95 लोगों को ये चीज़ पता होंगी, पर फिर भी वो रिमेनिंग 5 लोग है जो स्टॉक मार्केट में नए आए हुए, जिनको स्टॉक मार्केट का ABC भी नहीं पता है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये मैंने वीडियो बनाया है और एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बनाया हुआ है। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली जो फ्रेश जो नए स्टॉक मार्केट में एंटर किए हुए जो लोग हैं मुझे कंटिन्यूसली पूछ रहे, सर ये NSE पे निफ्टी टॉप गेनर और टॉप लूज़र कैसे देखने का होता है और जो उनका जो रैंकिंग रहता है वो किस बेसिस पे रहता है, मतलब हमें समझ में ही नहीं आता है। मतलब MRF का शेयर 1000 रुपये टूटने से भी वो टॉप लूज़र में नहीं आता है, पर हमारा शेयर अगर 400 रुपये का शेयर है वो 10% मतलब 40 रुपये भी टूट गया फिर भी वो टॉप लूज़र्स में आ जाता है। तो प्लीज़ हमें ये कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको दूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे निफ्टी टॉप गेन देखने का, टॉप लूज़र्स देखने का और जो रैंकिंग होता है वो किस बेसिस पे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए NSE इंडिया और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पहला ही साइट आएगा फ्रेंड्स NSE इंडिया का, जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स। हमें और इधर उधर किधर भी नहीं जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी बातें अवेलेबल हो जाएंगी और बहुत ही इजी मैनर में मिल जाएंगी। ये देखिए NSE की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पे ही सबसे पहले रहेगा लाइव मार्केट करके ऑप्शन है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होगा और उस बॉक्स में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि लाइव एनालिसिस, तो उसमें पहला ही ऑप्शन है टॉप 10 गेनर और लूज़र्स। तो ये है फ्रेंड्स, कितना आसान है। देखिए उसके ऊपर आपको क्लिक करने का है, आपके सामने लिस्ट प्रेजेंट हो जाएगी। ये जो लिस्ट आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये डे बाय डे अपडेट की जाती है NSE द्वारा। अभी ये आज का दिन आप देख सकते हो, ये किस दिन का आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो 15 फेब मतलब फ्राइडे का दिन। ये अगर आप मंडे को जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो ये लिस्ट चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि हर दिन का टॉप गेनर और टॉप लूज़र अलग होते चला जाता है एज़ पर द ट्रेडिंग। तो आप देख सकते हो कि ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग जो देख रहे हैं ये है टॉप गेनर, टॉप 10 गेनर्स और ये है निफ्टी 50 के टॉप 10 गेनर्स। तो आप देख सकते हो इनका नाम आया हुआ है और जो मैंने बोला कि ये किस बेसिस पे होते तो वो होते परसेंटेज ऑफ बेसिस पे, जो मैंने आपको बोला नॉट बिकॉज ऑफ एन रुपीज़ अमाउंट के बेसिस पे नहीं होता, परसेंटेज ऑफ बेसिस पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। चलो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी आप हम लोग देखेंगे टॉप लूज़र्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करो आप, जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको ये टॉप लूज़र दिखेंगे आज के। तो आप देख सकते हो ये लिस्ट है आज के टॉप लूज़र्स की। तो जो मैं बोल रहा था हाँ, कि ये परसेंटेज बेसिस पे रहते हैं फ्रेंड्स। अगर आप सोच रहे होंगे कि MRF का शेयर अगर 1000 रुपये से टूट गया तो वो गिरावट 1% से भी ज़्यादा नहीं होगी, पर जैसे मैंने कहा कि कोई एक शेयर अगर वो 400 रुपये का रहेगा पर वो 40 रुपये डाउन हो गया तो फिर भी वो गिरावट बड़ी गिरावट रहेगी, क्योंकि वो 10% की गिरावट है। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये जो टॉप गेनर और टॉप लूज़र ये जो लिस्ट बनती है जो परसेंटेज बेस के ऊपर बनती है, नॉट कि अमाउंट के बेसिस पे। सो आई होप आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो चुका होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये कैसे चेकआउट करते हैं। तो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ इसमें और क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 से रिलेटेड है, अगर आप चाहो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी देख सकते हो। सिक्योरिटी जिसका प्राइस 20 रुपीज़ से ज़्यादा है, सिक्योरिटी प्राइस जिसका 20 रुपीज़ से कम है तो उसका टॉप गेनर लूज़र कौन है, तो हर एक यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ है। और यहाँ पे आप और एक ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑल सिक्योरिटी, ये जो मैंने आपको जो अभी सामने दिखा है ये सिर्फ निफ्टी 50 के है। अगर आप ऑल सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो मतलब आपके स्टॉक मार्केट के NSE के 1500 लिस्ट की कंपनियां में से टॉप लूज़र कौन है वो सामने आ जाएंगे। और आप देख सकते हो इसमें आपको हंसने की बात ये है फ्रेंड्स कि आपको ये बहुत ही छोटे जो बोलते हैं ना पेनी शेयर्स वही लिस्ट में ये नज़र आएंगे, इसलिए उसको कभी काउंट नहीं किया जाता। ये देखो आप देख सकते हैं इधर परसेंटेज ऑफ चेंज देखिए -50 -33, पर शेयर का प्राइस देखिए फ्रेंड्स ये 5 पैसे का शेयर भी नहीं है, ये 0.05 का शेयर है, 0.05 5 पैसा भी नहीं है, 5 पैसा मतलब 0.5 में आता है, ये 0.05 मतलब ये पूरी बोलते हैं ना बर्बाद कंपनी कुछ है ही नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये पता है मुझे शेयर विशेष इन्फो करके आता है, उसके बाद भी आप देख सकते हो कुछ है ही नहीं इसमें 10 पैसे का शेयर। तो ये पूरे मतलब बोलते हैं ना पेनी शेयर्स है, तो मतलब बोलते हैं ना ये पूरा यूज़लेस लिस्ट है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं देखना है। तो आपको हमेशा क्लिक किधर करना है,
ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी 50, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये देखिए ये एक्चुअल जो बोलते हैं आज है निफ्टी के पुअर परफॉर्मेंस जिनका लॉस हुआ है, आप देख सकते हैं JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, हीरो मोटर, टाटा स्टील, तो आप देख सकते हो ये लिस्ट है। और यहाँ पे वापस क्लिक करोगे तो आपको आएगा कि ये टॉप गेनर्स है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि कितना आसान होता है NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और किधर नहीं जाने के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत ही सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया है और बहुत ही आसान तरीका है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, और हाँ अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरी नई वीडियो रहेगी वो सबसे पहले आप ही को दिखेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।